हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए भरवा बैंगन लेकर आई हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी लगती है। आइए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। भरवा बैंगन बनाने की सामग्री है, हमने आधा किलो साफ धोकर बैंगन ले लिए हैं। इसे हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से इसके हमने जो ये डंठल के साइड वाला हिस्सा होता है इसे हम निकाल देंगे और ये डंठल को हमें पूरा नहीं कट करना है, आधा कट करना है। ये यहां से अब इसे हम कट करेंगे, दो कट करना है। देखिए ऐसे दो कट करने से जो मसाला हम इसमें भरेंगे बहुत अच्छे से भरा जाता है। इस साइड से भी दो कट करना है। देखिए इस तरह से, ये ऐसे हमने कट करके तैयार रखे हुए हैं बैंगन को। देखिए इस तरह जैसे कट करिए आप, सीधे पानी में डालिए बैंगन और फिर सब्जी बनाएंगे। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज ले लिया है मोटे स्लाइस में कट करके, तीन टमाटर, अगर बड़े साइज के हैं तो दो लीजिए, मैंने छोटे लिए हैं तीन टमाटर, एक लहसुन की गांठ ले ली है, करीब 12 से 15 लहसुन की कलियां हैं, एक टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 से 2.5 टीस्पून नमक है, आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए। अब मसाला बनाने की सामग्री है, 3 से 4 तेजपत्ता ले लिया है छबीला, 2 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची, इसका हमने छिलका निकाल के ताने निकाल लिए हैं, छिलका नहीं पिसते हैं साथ में, इसके रेशे आ जाते हैं, ये जायपत्री, कर्णफूल 1 ले लिया है, 8 से 10 लाल मिर्च है, ये आप कम भी ले सकते हैं अपने स्वाद अनुसार लीजिए, 2 टीस्पून जीरा, 1 टेबल स्पून धनिया, खड़ा धनिया लेना है हमें, सारी चीजों को भूनना है। इसे हम कढ़ाई में थोड़ा तेल डालकर इस सामग्री को भून लेंगे और मसाला तैयार करेंगे। हमने 3 से 4 टेबल स्पून तेल लिया है। हमने ये कढ़ाई रख ली है, गैस ऑन कर लिया और बस थोड़ा सा बहुत कम तेल, 1 टीस्पून हम तेल डालेंगे। और अब ये जो मसाले लिए हैं खड़े मसाले, ये हम इस तेल में भून लेंगे। देखिए इनको सबको हमें डाल देना है साथ में और इसे अच्छी तरह धीमी आंच में भूनना है। देखिए मसालों से खुशबू आने लगी है, मसाला भूनकर तैयार हो गया है। हमें भूनने में 3 मिनट लगा है, हमने गैस बंद कर दिया। अब जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। हाँ देखिए हमने इसे निकाल लिया है प्लेट में और अब इसे ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम मिक्सर ग्राइंडर में इसे पीस लेंगे। देखिए उसी कढ़ाई में हमें टमाटर, प्याज और लहसुन भुनना है। हमने टमाटर के 1 टमाटर के 4 टुकड़े कर लिए हैं। सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून तेल डालेंगे, बहुत कम तेल डालना है। और अब हम इसमें ये प्याज, टमाटर और लहसुन डाल देंगे और इसे अच्छी तरह धीमी फ्लेम में भून लेंगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये प्याज, टमाटर और लहसुन भूनकर तैयार है। हम फ्लेम बंद कर देते हैं और अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया इसे और अब इसे हम ठंडा करेंगे और जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसे अच्छा चिकना पीस लेंगे। देखिए टमाटर, प्याज और लहसुन की प्यूरी बनकर तैयार है और जो हमने खड़े मसाले अलग से पीसा था थोड़ी पानी की सहायता से पीस लिया, इससे भी हम इसी में मिला देंगे। देखिए हमने मसाले दोनों अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें ये हल्दी पाउडर और नमक, हम 1 टीस्पून नमक अभी डालेंगे और 1 टीस्पून नमक जब भट्टे डालेंगे तेल में तब डालेंगे। ये हम गुड़ भी डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैंने 1 टीस्पून गुड़ लिया है, अब गुड़ या शक्कर
कुछ भी डाल सकते हैं। गुड़ डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ लेना है तो चूरा गुड़ लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए भरने का मटेरियल तैयार हो गया है। ये जो हमने भट्टे लिया है इसका हमने पानी निकाल के रख लिया है। अब हम भट्टे में ये जो मसाला है ये अच्छी तरह भर देंगे। देखिए हमने बैगन ले लिया है और इसे हल्के हाथ से फैलाना है और इसमें ये जो मटेरियल है उसे भरना है। आप चम्मच की सहायता से भरिए, बहुत अच्छे से भरा जाता है। देखिए इस तरह से। और दूसरे साइड से भी हम ऐसे ही हल्के हाथ से भट्टे को फैलाकर ये मटेरियल भर लेते हैं। देखिए देखिए बहुत अच्छे से मटेरियल भरा गया है बैगन में। हमारा बैगन तैयार हो गया है। इसी तरह हम सारे बैगन तैयार कर लेंगे और जो ये मटेरियल बच जाएगा बैगन भर के, तो इस मटेरियल को हम जब भट्टे तेल में डालते हैं तो ऊपर से ये मटेरियल डाल देंगे। देखिए हमने भट्टे भरकर तैयार कर लिया है, अब हम इसे तेल में डालेंगे। हमने कढ़ाई वही वाली कढ़ाई ले ली है, गैस ऑन कर दिया और इसमें हम 3 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, अगर आपको मसाले वाली बढ़िया सब्जी खाना है तो थोड़ा तेल तो ज़्यादा डालना ही पड़ेगा। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें बैगन डालेंगे। देखिए एक एक बैगन रखते जाएंगे। देखिए हमने सारे भट्टे डाल दिया है और हम सिम पे 2 से 3 मिनट इसे रहने देंगे और फिर इसे हम पलटेंगे। अभी ढक्कन ढाक देते हैं। देखिए हमने ढक्कन ढाक दिया है और 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे और फिर उसके बाद इसे हम पलटेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब हम बैगन को पलट लेंगे। देखिए अच्छे से पलट लिया है इसे। अब दूसरे साइड से भी हम इसे पकने देंगे 3 से 4 मिनट दूसरे साइड से भी धीमी आंच में और ढक्कन ढाक देंगे। अब देखिए अच्छे से हमने सब तरफ से पलट लिया है। अभी हम ये नमक है जो 1 टीस्पून ये नमक डाल देते हैं और इसे ढक देंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन खोल लेते हैं और बैगन को हम पलट लेंगे। देखिए बैगन पकने लगे हैं, इसे दूसरे साइड से भी पलट लेते हैं। देखिए अब कुछ देखिए हमने अच्छे से पलट लिया है और अब इसे हम ढाक देंगे और इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, बैगन भी पक चुके हैं। अगर आपको ऐसे ही रखना है तो ये बनकर तैयार हो गए हैं। हमने भरवा बैगन बनाए हैं, बनकर तैयार है। और अगर ग्रेवी वाले खाना है तो जो हमने ये जो हमारा जो बचा हुआ मसाला था इसमें आप पानी डाल दीजिए और इसमें बैगन में डाल दीजिए तो ये ग्रेवी वाले हो जाएंगे। वैसे हम बैगन को थोड़े ग्रेवी वाले बनाते हैं। हम ये पानी डाल देंगे, जो मसाले वाला पानी है आप जो पॉट धो के वो भी पानी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ये जो मसाले वाला पानी है इसे डालकर 2 मिनट इसे ढाक कर पकने देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और इसे अब हम ढक देंगे। तीन से चार मिनट हो चुके हैं, हमने धीमी फ्लेम पे इसे रखा था। देखिए हमारे भरवा बैगन बनकर तैयार है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं और फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए हमने गरम मसाला डाल दिया और अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। देखिए हमने भरवा बैगन को बॉल में निकाल लिया है। अब हम इसे गार्निशिंग कर लेंगे हरे धनिया से। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भरवा बैगन बनकर तैयार है। आप ऐसे ही भरवा बैगन बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।